हेलो एंड वेलकम टू द सुजी सर क्लास। और कैसे हो आप लोग सब? सो ये पिक्चर आप देख के बड़ी अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच्चाई है कि बहुत लोग चाहते हैं, बहुत लोग पीते हैं, बहुत लोग नशा करने में बहुत मज़ा आता है उन लोगों को। सो ये जो नशा है, ये नशा बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन भी क्रिएट करते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ, देखिए आप किस तरह से लोग शराब की लत में अपनी जीवन बर्बाद कर देते हैं। शराब और ये जो नशा है, कोई भी नार्कोटिक ड्रग्स है, जो जिस तरह से लोगों को ये करता है, मतलब उनकी परिवार में या कन्फ्लिक्ट होती है, परिवार में बहुत से झगड़ा होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करने का एक वजह होता है। लोग शराब पीते हैं, फिर दिमाग ख़राब हो जाता कभी कभी उनका, घर में झगड़ा करना, काम में नहीं जाना, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स की जो कॉज होती है ये अल्कोहलिज्म और अल्कोहल होते हैं। सो ये जो आप देख पा रहे हो वाइट कलर, ये इसको हम टडी भी कहते हैं। ये एक रस होता है जो पेड़ से आते हैं, पाम ट्रीज, कोकोनट ट्रीज, इसमें से आते हैं ये सारे। बहुत मोस्टली ये साउथ इंडियन में पाया जाता है, साउथ इंडिया में ज़्यादातर लोग इसको पीते हैं। सो मेरा ये जो सारे चीज़ कहने का मतलब क्या था कि आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है एंटी अराक मूवमेंट। एंटी अराक मूवमेंट का मतलब ही होता है अगेंस्ट ऑफ अल्कोहलिज्म और अल्कोहल। सो ये अल्कोहल के जो अगेंस्ट में वुमेन्स, इन्होंने शुरू कर दी एक आंदोलन जो कि एंटी अराक मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। इट वॉज स्टार्टेड इन 1990s इन आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। इट वॉज ऑपरेटेड बाई वीमेन एंड फॉट ए बैटल अगेंस्ट एल्कोहलिज्म एंड माफियस इन द गवर्नमेंट। देखिए यहाँ पे जो ये जो शुरू किए थे एंटी अराक मूवमेंट, एंटी अराक मूवमेंट शुरू हुआ आंध्र प्रदेश में, और इसको वीमेन्स में उन्होंने फाइट किए इस अगेंस्ट में, इसको अल्कोहलिज्म माफिया जो सप्लाई करते हैं, ये अल्कोहल सप्लाई करते हैं उनके साथ, और इवन गवर्नमेंट के साथ भी उनका ये जो बैटल शुरू हुआ। इनका शुरुआत एक विलेज का नाम है दुबागुंटला। दुबागुंटा नेलोर डिस्ट्रिक्ट में है, ये आंध्र प्रदेश में आता है। सो वहाँ पे वीमेन हार्ड एनरोल्ड इन द एडल्ट लिटरेसी ड्राइव ऑन ए लार्ज स्केल। सो यहाँ क्या हुआ कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्यों शुरुआत की, उसके प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं। डिस्कशन ऑफ द वीमेन कंप्लेंट फॉर इंक्रीजिंग कंजप्शन ऑफ एल्कोहल बाय मेन इन देयर फैमिलीज। उनके घर में जो पुरुष हैं, जो उनके पति हैं और हस्बैंड हैं, वो ज़्यादातर शराब पीते हैं, राइट? और क्या होता है, पीपल ऑफ द विलेज बाउंडेड बाय द बैड हैबिट्स ऑफ अल्कोहल्स एंड इट वेर डिक्रीजिंग देयर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। सो शराब पीने से ज़्यादातर फिजिकल और मेंटल वो इल हेल्थ हो जाते हैं, उनकी तबीयत भी खराब हो जाती है, फिजिकल भी उनके एनर्जी जो है, जो हेल्थ अनहेल्दी हो जाते हैं, राइट? इंडेबनेस ग्रीव विथ इंक्रीजिंग स्केल्स ऑफ कंजप्शन ऑफ एल्कोहल, मेन रिमेन एबसेंट फ्रॉम देयर जॉब्स। क्या होता है कि इंडेबटेडनेस, जो कर्जा है, कर्जा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये खाली शराब पीते हैं, कोई काम पे नहीं जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो उस हिसाब से बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। वीमेन इन नेलोर केम टूगेदर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट अराक। जब एक इंसान, एक हस्बैंड हमेशा आता है शराब पी के आता है, घर में झगड़ा करता है, तो एक अशांति की माहौल जो बनती है उससे तंग आकर यहाँ के जो जितने भी वीमेन्स हैं उन्होंने ये शुरू कर दिए थे। द न्यूज स्प्रेड, राइट? वीमेन इन नेलोर केम टूगेदर टू स्प्रेड अगेंस्ट अराक और अल्कोहलिज्म।
The news spread fast, and women of about 5,000 villages joined the movement. So ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग near about 5,000 villages का मतलब more than 50,000 people, right? इन लोगों ने तो ये शुरू कैसे हुआ, क्या हुआ था, जैसे एक ट्रक आ रहे थे, ट्रक्स ट्रक में लोड करके जब ये शराब मैंने ऑलरेडी दिखाया था इस तरह के जो ये जो शराब है इसको लोड करके ठेके में पहुंचाया जाता थे जगह जगह में. सो एवरी विलेज हैज देयर ऑन वाइन शॉप एंड इन द वाइन शॉप द ट्रक्स आर एक्सपोर्टिंग द अल्कोहल्स. सो वंस एक दिन जो महिलाएं क्या किए कि वो गाड़ी को रोकी, वो जितने भी थे वो तोड़ फोड़ कर दिए और उस गाड़ी में आग लगा दी. तो ये इससे क्या हुआ, जो माफिया को रोकने के लिए तब शुरुआत हुई ये आंदोलन, राइट. सो इस आंदोलन के बारे में हमने इसकी इफेक्ट्स भी मैंने समझाया यहाँ पे, क्या क्या इफेक्ट्स है, किस तरह से ये नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट किए अपने अपने घरों में. सो इसके बारे में हमने ये पॉइंट्स पढ़े. तो इसका जो लिंकेज है, इसका लिंकेज कैसा है, कहाँ है इसकी लिंकेज, देख. द स्लोगन ऑफ द एंटी अराक मूवमेंट वॉज सिंपल, प्रोहिबिशन ऑन द स्केल ऑफ अराक, राइट. सो ये जो इनका जो स्लोगन है ये बहुत ही सिंपल है. इनका स्लोगन क्या है, प्रोहिबिशन ऑन द सेल ऑफ अराक, कि बंद करो शराब बेचना, बंद करो, राइट. द स्टेट गवर्नमेंट कलेक्टेड ह्यूज रेवेन्यूज बाई वे ऑफ टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन द सेल ऑफ अराक एंड वॉज देयरफॉर नॉट विलिंग टू इम्पोज अ बैन. सो राइट, यहाँ पे क्या होता है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट होते हैं शराब से बहुत ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन होती है उनको, अगर वो शराब बंद कर दें तो जो स्टेट रेवेन्यू होता है रेवेन्यू डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए गवर्नमेंट भी उसको बैन कर नहीं कर पा रहे, बंद नहीं कर पा रहे, राइट. ग्रुप ऑफ लोकल वीमेन ट्राइड टू एड्रेस दिस कॉम्प्लेक्स इश्यूज इन देयर एजुकेशन अगेंस्ट अराक एंड ऑल्सो कॉल्ड वीमेन्स मूवमेंट. तो यहाँ पे जो महिलाएं हैं, महिलाओं ने ये लोकल वुमेन, ये बहुत ही ये जो कॉम्प्लेक्स इशू है उस कॉम्प्लेक्स इशू में इशू को जो ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करना चाहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी मूवमेंट में शामिल की, तो इसीलिए इसको वीमेन्स मूवमेंट भी कहा जाता है. वीमेन्स ग्रुप वर्किंग ऑन इशूज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस. सो अभी यहाँ पे वीमेन ग्रुप्स और भी बहुत सारे इश्यूज को लाए, वो लिंक उसमें किए, क्या क्या उन्होंने लाए, ये खाली अल्कोहल के बारे में नहीं रहा, ये डोमेस्टिक वायलेंस, द कस्टम ऑफ डाउरी, दहेज की प्रथाएं थी, सेक्सुअल अब्यूज एट वर्क एंड पब्लिक प्लेसेस वेर एक्टिव मेनली अमंग अर्बन मिडिल क्लास वीमेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. सो ये ज़्यादातर वुमेन रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज को उन्होंने एक्सपोज किए, हाईलाइट किए और उनके अगेंस्ट में ये शुरुआत हुई. दिस मूवमेंट इंक्रीज द अवेयरनेस इन द वुमेन. सो वुमेन एम्पावरमेंट, इसको हम अगर लिंक करें तो वीमेन एम्पावरमेंट के साथ भी हम लिंक कर सकते हैं. सो ये जो एंटी अराक मूवमेंट थी ये बेस्ड ऑन बैन ऑफ अल्कोहलिज्म के बारे में था, और बाद में जो वीमेन से महिलाएं हैं वो अपने डोमेस्टिक वायलेंस और महिलाओं के प्रति हो रही बहुत सारे अत्याचारों को भी उन्होंने हाईलाइट करके एक बहुत बड़ी मूवमेंट की शुरुआत की. उस मूवमेंट का नाम दिया गया एंटी अराक मूवमेंट. ओके, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ. तब तक घर में रहे, सुरक्षित रहे. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.